हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और अभी हम लोग ट्रेवलिंग पे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अपना ऑफिस और वहां का व्यू आप लोगों को दिखाएंगे और रास्ते का व्यू दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस, आप लोग को हम बहुत ही मस्त चीज दिखाने वाले हैं। अभी बहुत ही मस्त देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये टावर है। ये ट्रॉली द्वारा कोयला को इस बार से उस बार दिया जाता था। आप लोग देख सकते हैं, एक तो यहाँ है, ये है, एक तो ये है। देख सकते हैं, अभी भी ट्रॉली लटका हुआ है। गाइस, ट्रॉली अभी भी लटका हुआ है। देख पा रहे होंगे, ट्रोली अभी भी लटका हुआ है। ट्रोली द्वारा कोयला को इस बार से उस पर ले जाया जाता था। ये नदी के कारण यहाँ पर बनाया गया था ये टावर। अभी तो पानी नहीं है गाइस, पहले बहुत ही पानी रहता था यहाँ, बहुत ही ज्यादा पानी रहता था। इसके वजह से यहाँ पर ही दो ठो टावर बनाया गया गाइस और उसको बीच में ट्रोली दे दिया गया है, जिसके वजह से कोयला को इस बार से उस पर किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, अभी भी ट्रोली लटका हुआ है। तो अभी हम लोग गाइस यहाँ पर रुक चुके हैं, हम नेल डालेंगे उसका फोटो लेने। तो दोस्तों, हम लोग बोकारो पहुँच चुके हैं और ऑफिस में जो काम था, ऑफिस से काम हो चुका है, वहाँ पे वीडियो का परमिशन नहीं मिला। तो दोस्तों, अभी देखिए, अभी हम लोग बोकारो में हैं, सेक्टर 4 में। देख सकते हैं आप लोग यहाँ का व्यू। और अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, अब घर के लिए निकलते हैं और चलिए चलते हुए व्यू आप लोग का अच्छा अच्छा खूबसूरत व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग ने मेन रोड छोड़ दिया है और मुड़ गए हैं डैम की ओर। यहाँ पे बोकारो में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू है, बोकारो डैम में, गरगा डैम। और चलिए दोस्तों, हम लोग भी जा रहे हैं गरगा डैम की ओर और चलते हुए आप लोगों को दिखाते हैं गरगा डैम की खूबसूरती, वहाँ का व्यू। और अभी का मौसम में काफ़ी खूबसूरत लगेगा वहाँ का व्यू देखने में। बहुत ज़्यादा पानी है, आप देख सकते हैं वहाँ पे मृदाएँ और कितना हो गया। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है। और चलिए आगे भी आप लोग दिखाते हैं इस तरह का पिकनिक स्पॉट है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों, आगे में आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं नए साल को। और चलिए हम लोग सामने से आप लोग को चलते हुए दिखाते हैं आगे का व्यू। और बहुत सारे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, इंजॉय करेंगे न्यू साल को, सेलिब्रेशन कर लिए। चलिए दोस्तों, चलते हुए दिखाते हैं। देखिएगा, ये पुल है हम लोग का, बोकारो का। और नए साल में कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ इंजॉय करने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग आए हुए हैं छुट्टी मनाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। नीचे में आप लोग देख सकते हैं कुछ पापा की परियां भी हैं फोटो खिंचाते हुए। देख सकते हैं नीचे का व्यू काफी डेंजर दिख रहा है यहाँ से। और दूर दूर तक दोस्तों नदी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से डैम का व्यू। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त यहाँ का नज़ारा, लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है। और देख सकते हैं नीचे में कुछ पापा के परिवार फोटो खिंचाते हुए, नए साल का आनंद लेते हुए। और उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। और देख सकते हैं यहाँ से, तो आई होप कि दोस्तों आप लोग ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और उम्मीद है कि, और नहीं आ रहा हो तो बोल दीजिएगा पसंद नहीं आ रहा है, वहाँ पे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं एंजॉय करने के, नए साल को मनाने के लिए। और आगे में कुछ वैसा मिलता है दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आप लोग को। देखते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे।
कुछ लड़के डैम में नहाते हुए, और यहाँ का व्यू हर तरफ से आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए भी आए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और दूर दूर में भी दोस्तों बहुत कोई है, दिख रहा होगा गाड़ी आप लोग को, और झाड़ी की वजह से उतना फ्रेश नहीं आ रहा है। बहुत कोई आए हुए पिकनिक मनाने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ का व्यू गरगा डैम का, जो कि काफ़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त यहाँ पे, और डेंजर भी लग रहा है यहाँ का व्यू। और देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया, और कुछ लोग नीचे में पिकनिक भी मना रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय, खुश रहें।